एक नोट यहाँ पर लिखा है कि यार ये जो वीट स्टोन है तो इसमें अगर मैं इसको इससे रिप्लेस भी कर दूं बैटरी से, यानी कि जहाँ बैटरी है वहां पर इसको ले आओ और जहां पर ये है वहां पर बैटरी ले आओ, अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सर्किट वैसा वैसा ही रहेगा। Replacing US branch with the battery is not going to change anything in the circuit. कुछ भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखें, बहुत सी बार पूछा जा सकता है। तो एक बार बोलता है कि यहाँ बैटरी लगी है, इसमें करंट 2 एम्पियर है, इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, फिर पूछ रहा है इसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर, ध्यान रखना, ठीक है। VI मेथड देखो इसमें क्या है, कुछ भी सीरीज पैरेलल पता नहीं लगा और नहीं ये बैलेंस वीट स्टोर है, बैलेंस नहीं होगा। 2/6 करेंगे 1/3 आएगा, और 3/8 करेंगे तो 1/3 नहीं आएगा, दिस इज नॉट बैलेंस। सो वी विल यूज VI मेथड। VI मेथड मतलब टोटल पोटेंशियल बैटरी लगा दो, टोटल पोटेंशियल V हो गया, तो V इक्वल टू I, यानी कि नेट करंट I इनटू R इक्वल है। I कितने पार्ट में टूट गया, दो में, I1 और I2। यहां का पोटेंशियल पता नहीं, क्या मान लो X, यहां का क्या मान लो Y, फिर यहां पर KCL लगा दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, लगाओ X माइनस V अपॉन 2 प्लस x माइनस 0/3 प्लस x माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हियर x माइनस 0 अपॉन 4 x माइनस v अपॉन 2 और सही है ना, या 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 बता जल्दी जल्दी y माइनस v अपॉन 6 y माइनस 0 अपॉन 8 y माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। दो अननोन है, x और y दो इक्वेशन है, यहां से बताओ इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, जल्दी जल्दी करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यानी कि हो जाएगा 6x माइनस 6v 4x 3x माइनस इज इक्वल टू, टोटल x कितना हो गया 6 और 4 10 3 13 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, इसको देखो एलसीएम 48 पक्का ना, 48 आएगा ना, 24 4 by 4 by यहाँ पर 3 y यहाँ पर 6 y माइनस 6x इज इक्वल टू, टोटल y कितना हो गया, टोटल x कितना हो गया, x तो 6x और y कितना हो गया 4 6 10 3 13 13 y इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे बताना जरा, मल्टीप्लाई किसको किससे, हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको करो 3 से इसको करो 13 से उल्टा, इसको 13 से करो और इसको 3 से करो और जोड़ दो दोनों, इसको किससे करो 13 into 13 169x, ये तो गया, ये गया है ना, इसको करो किससे 3 से, ये कितना हो जाएगा 18x, ये तो गया दोनों, ये 6 into कितना 6 into 13 78 plus 12 डाल दो या तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो वाई आ जाएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई बिकम्स 13x माइनस 6v/3, यस एक्स का वैल्यू डाल दो कितना आ जाएगा 19v/151 माइनस 6v/3, करो जल्दी जल्दी, हिसाब कितना बचता है, अरे यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करूँ, हाँ करो करो जल्दी करो, मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी करो, तो वही का वैल्यू कुछ तो भी आ जाएगा, यस मैं ट्राई करता हूँ, 13 into 90 माइनस 6 into 151 upon 3 into 151 b, सही है क्या, ठीक है 13 into 9, 13 into 9, 107, 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 107
अरे जल्दी करो मैथ्स के बंदो 264 अरे इसमें से इसको माइनस करो भगवान चार छ एक देखो आई वन कैसे आएगा वी बढ़ाया एक्स वी बढ़ाया एक्स अरे करंट किधर जा रहा है तो करंट आई वन का वैल्यू हो जाएगा वी माइनस एक्स अपॉन टू एक्स की जगह कितना डाल दो 90 V upon 151 और R की जगह 2 I2 डालो I2 कितना आएगा V minus Y upon 6 Y का वैल्यू डालो 264 V upon 453 upon 6 यहां से बताओ कितना है 150 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 150 में से 90 61 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 302 मल्टीप्लाई करो 6 × 18 ऊपर चढ़ गया 1 30 और 1 31 ऊपर चढ़ गया 3 × 6 = 2427 सही है क्या इसको यहाँ डाल दो I का वैल्यू यहाँ डाल दो आप तो V इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इंटू R equivalent. So R equivalent कितना आ जाएगा? V upon I1 plus I2. अरे बाप रे. डालो I1 का वैल्यू. 61 V upon 302 plus 189 V upon 2718. V से भी गया. तो यहाँ से जो भी आएगा आंसर. ओम में आएगा आंसर. So this is our answer. देखो सिंपल पड़ेगा. ये मैंने वैल्यू कुछ भी उठपटक ले ली ना. ऐसे खतरनाक हो. खतरनाक हो गया एलसीएम लो ये वो ये वो तो आपको क्या करना है एक्स निकालना वाई निकालना आई वन निकालना आई टू निकालना आई वन डालना यहाँ डालना है आर इक्विवेलेंट अगर कुछ भी नहीं भा रहा है आ रहा मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है तो आप ऐसे कर सकते हैं अदरवाइज ऐसा पूछता नहीं है बट बैलेंस वीक स्टोन ज्यादा पूछता है तो बैलेंस वीक स्टोन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए ठीक है लिख लो जल्दी लिख लो ये वैल्यू अगर से निकाल देना